शहर से दूर घर लिया था ताकि शांति से रह सके। अभी शहर ही बढ़ता बढ़ता घर में घुस आया है। जहां आप कुछ बने नहीं, जहां आपने कुछ बनाया नहीं, वो शहर आपको दूर से भी दिखाई देना क्यों सुखाएगा? तू बन गया ना सब कुछ? हाँ बन गया, वरना आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खुद तो सस्पेंड हो गए थे, पुलिस डिपार्टमेंट में सब टेढ़ी आंखों से देखते थे मुझे। विजयकांत का बेटा, चाचा जी पुलिस में नहीं होते तो मेरा वहां भी कुछ नहीं होता। आर्या, इतने सालों से हम दोनों के बीच बस इतनी बात होती रही है। कभी तू गुस्सा होकर बीच में बात छोड़ देता था और कभी मैं। दुनिया भर के पुलिस वालों से गलत इनकाउंटर होते हैं, मर जाते हैं बेकसूर लोग। आपसे गलती क्या हुई, आपने मेरी तरफ देखना ही बंद कर दिया। बात भी की तो खाना खाया, स्कूल गया था, हफ्तों गायब रहते थे आप। फिल्म देखनी है तो चाचा चाची ले जाएंगे, स्कूल की किताबें लेनी है तो रमा चाची ले जाएंगी। मैं 7 साल का था, आज 32 का हूं। आपको 25 साल में वक्त नहीं मिला और मेरी बातें होनी रह गई। मेरी भी कितनी बातें होनी रह गई, मैं हिम्मत नहीं कर पाया। गलती आपकी है, हिम्मत आपको चाहिए थी। आज कर लूं हिम्मत? आपकी मर्जी। मैंने ये बात तुझसे कभी नहीं कही क्योंकि मैं तुझे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, और फिर दो लोगों की जिंदगी का सवाल था। वो दो लोग जो मेरे भरोसे हैं, मेरी जिम्मेदारी। कौन दो लोग? एक औरत और एक लड़का। आपकी औरत? हाँ। आपका बेटा? हाँ। इतने अकेले पड़ गए थे आप मां के मरने के बाद? हाँ। जब हफ्तों गायब रहते थे उन्हीं के साथ होते थे। हाँ। इतनी जरूरत थी आपको औरत की? चाहने लगे थे हम एक दूसरे को, और उन्हें देखने के बाद तुझे और भी बातें पता चलेगी। मुझे नहीं देखना, एड्रेस दे देना, पैसा ही पहुंचाना है ना, पहुंचा दिया करूंगा। अरे बात इतनी सी होती तो इतनी हिम्मत जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। कुछ मत कहिएगा, मुझमें सुनने की हिम्मत नहीं। मेरे मरने की खबर उन्हें कर देना, नैनीताल में रहते हैं दोनों, लेकिन रवि से, रमा से या किसी और से इस बारे में बात मत करना। बची कुछ इज्जत जो है आपके घर वालों की, वो भी चली जाएगी। मत करना, उन्हें देखने के बाद भी नहीं। मेरे जाने के बाद तेरे भरोसे है, तेरी जिम्मेदारी, तेरे अपने।
और अपनों की कीमत सपनों से ज्यादा होती है।